तो बहुत सारे वादे इस कांग्रेस वालों ने पंजाब के लोगों के नाल किए थे, जिदे च सब तो वड्डा वादा किया कि सरकार बनते हैं असी, जिन्हों लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी कराई है उन्होंने असी सजावां देवांगे। तो यदि जवाबदेही इस वेले सरकार करे, इस वेले नवजोत सिद्धू की जवाबदेही बनती है, वह जवाब देन पंजाब के लोग उन्होंने मूँह कने दे भी एक नूं लुको लिया तो दूजे नूं कढ लिया। पर जिहड़े साढ़े चार पौने पांच सालों के पंजाब का घाण किया वह इन्हों तो लुकवाया नहीं लुकना। कांग्रेस अपने जाल च बुरे तरीके नाल फसदी हुई दिखाई दे रही है। पंजाब APS दियोल नूं AG अते राणा गुरजीत सोढी मुड़ मंत्री बनाउण दा मामला पकदा जा रहा है। आम आदमी पार्टी दे विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने नवजोत सिद्धू ते वड्डा हमला बोलिया। उन्हां कहा कि सिद्धू बेअदबी मामले इंसाफ देण दीआं गल्लां करदे सी, पर हुण साबका DJP सैणी दे वकील नूं AG लगाया गया, हुण इंसाफ कित्थे मिलेगा। अते कहा भ्रिष्टाचार दे इल्जामां च घिरे राणा सोढी नूं मंत्री बनाया गया, इस बारे सिद्धू जवाब देण। फसल जिहड़ी गुलामी सुंडी करके पूरी तरह दे नाल खत्म हो गई है, और एक और टाइम सीगा, एक और टनियोर सीगा जदों सुखबीर बादल दा टाइम सीगा, यानी कि अकाली दल दी सरकार सीगी 2015 दे विच, उस वेले भी सुंडी ने जड़िया माड़िया रेहां स्प्रेहां करके जड़ा मालवा बैल्ट पूरी तरह खत्म हो गया सीगा। और एक बारी फिर इस वेले सुंडी दा, गुलाबी सुंडी दा इन्ना कु जोरदार हमला आ कि साढ़े सारी जड़ी नरमे की फसल आ वह खत्म हो गई आ, वह किसानों दी मंगा नूं लैके कि किसानों का जड़ा बनता मुआवजा, क्योंकि जदों एक एकड़ की बिजाई तो लैके बिहाई तो लैके तो एक एकड़ से जदों रे स्प्रे नरमे की फसल पैदा की जाती है तो लगभग जड़ा 44,000 रुपया एक किले ते खर्च आता है। तो सरकार नूं चाहिंदा आ कि इस वेले एटलीस्ट प्रति एकड़ जिहड़ा 50,000 रुपया मुआवजा साडे किसानां नूं दित्ता जावे, ते नाल दे नाल जिहड़े ओह मजदूर ओह लेबर ओह जिहड़े चोणे जिहड़े पूरी तरह दे नाल निर्भर करदे ने इक किसान दे उत्ते, जिहड़े हमेशा इस गल दी सुख मंगदे ने कि किसान दे घर फसल होवे, तां उहनां दीआं वी दिवालियां ते जिहड़े त्यौहार चंगे लंघणगे और उहनां नूं वी बहुत वड्डी मार पई आ। सो सरकार कोलों मंग कर रहे कि जिथे किसानां नूं मुआवजा दिता जाएगा उहदे नाल दे नाल जिहड़े साडे मजदूर ने जिहड़ी साडी लेबर क्लास आ उहनां दा वी खास ध्यान रखा जावे, उहनां दे वी जिहड़े हक उह सरकार दे नेट बनी हैगी आ। की लगदा है कि जिहड़े 3 महीने रह गए ने इहदे विच इह सरकार जिहड़ा काम कर पाएगी, जिहड़े वादे पूरे कर पाएगी? साढ़े चार साल पौने पांच साल पंजाब के लोगों ने सरकार बनी एक उम्मीद की निगाह नाल देखिया, इस वेले सरकार एक नूं लुको ले तो दूजे नूं कढ ले कोई बड़ा फर्क नहीं पैंदा। एक कैबिनेट का फेरबदल किया, जे असी कैबिनेट के देखण लग जाइए सरकार के बंदे देखण लग जाइए तो यह उही ने, इन्हां दे विच कोई बड़ा अंतर नहीं हैगा। भावें अज उन्होंने कैप्टन नूं पिछे कर लिया, चरणजीत चन्नी नूं अगे कर दिता, तो इन्हां दे विच कोई बड़ा अंतर नहीं। बिलकुल एग्जैक्टली ओही तो मैं कहना चाह रही हाँ कि सरकार ने जो बनानी सी तो बहुत सारे वादे इस कांग्रेस वाले ने पंजाब के लोगों के नाल किए थे, जिदे च सब तो वड्डा वादा किया कि सरकार बनते हैं असी, जिन्हों लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी कराई है उन्होंने असी सजावां देवांगे। सो जिहड़ा इस वेले एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करना दियोल नूं लैके, यह उही दियोल ने, यह उही वकील ने जिहड़े सुमित सिंह सैणी दे वकील सीगे, तां इहदी जवाबदेही इस वेले सरकार करे, इस वेले नवजोत सिद्धू की जवाबदेही बनती है, वह जवाब देण पंजाब दे लोक उहनां दे मूँह कने देख। कैबिनेट बनन तों पहलां राणा गुरजीत दा कुछ विधायकां ने ही कांग्रेस दे विरोध कीता जी, उस दे बाद वी उहनां नूं जिहड़ा कैबिनेट, सारिआं नूं पता, देखो राणा गुरजीत कौण शख्स ने, की उन्होंने किया हुण तक, जो उन्होंने कैबिनेट तो हटाया गया सीगा तां आम आदमी पार्टी ओपोजिशन च हुंदिआं होइआं जिहड़े उन्होंने जिस तरीके दे करप्शन उन्होंने कीती सीगी ते उहदी वजह करके उन्होंने कैबिनेट चों हटाया गया सी, अज मुड़ उन्होंने उस कैबिनेट दे विच लिया गया। उही नवजोत सिद्धू ने जिहड़े उच्ची उच्ची रौला पाउंदे हुंदे सीगे, अज नवजोत सिद्धू तो पंजाब दे लोक इस गल दी मंग कर रहे हैं। कैबिनेट बना दित्ती गई है पर हजे तक किसे भी मैं उही तो मैं कह रही हां भी एक नूं लुको लिया तो दूजे नूं कढ लिया। पर जिहड़े
साढ़े चार पौने पांच सालां दे विच पंजाब दा घाण कीता ओ इन्हां तों लुकवाया नहीं लुकना। सो इस वेले जे कैबिनेट पूरी दी पूरी जे कांग्रेस सरकार कन्फ्यूज आ, जे इन्हां नूं पता नहीं लग रहा कि असीं किस नूं कित्थे लाउणा आ जां किहनूं किहड़े महकमे विच लैके जाणा, इट मीनस क्लीयर आ कि पंजाब दा कदे कुछ सवार नहीं नी चाहुंदे। साडी तां खैर आ, आम आदमी पार्टी तां बहुत नवीं पार्टी आ, ओहनूं तां बहुत थोड़ा टाइम होया। पहला तां इहनां नूं पुछो कांग्रेस वालिआं नूं इहनां दा सीएम चेहरा कौन होऊगा, फिर अकाली दल वालिआं नूं पुछो, जिद्दण इह दस देणगे आम आदमी पार्टी नूं दस्सो। चन्नी नूं ला दित्ता, बट दे आर नॉट क्लीयर अबाउट कि जिहड़ी आउण वाली इलेक्शन आ उह असीं किहनूं लै के लड़ांगे। देखो इहदे बारे हले कोई क्लीयर नहीं है, कल दस्सिआ जाऊगा। जिहड़ा नवें मंत्रिमंडल दा ऐलान कीता गिआ। सिद्धू दे अस्तीफे तो बाद पंजाब दी सियासत पूरी तरह गरमा गई है। कांग्रेस सरकार आपस उलझी हुई है, उत्थे ही विरोधी धिरां कांग्रेस नूं घेर रहीआं ने। आम आदमी पार्टी ने भी तिखे हमले करने शुरू कर दिते ने। जलंधर तो परमजीत रंगपुरी दी रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबस्क्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात, ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बणन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।